मिक्स मेरे मुंह में इतना मैंने चौड़ी खा लिया। वो बाजी बात रियाना तेरे मुझे मेरे रियाना परोठा परोठा पकाया भी कितने परोठे तो थे रखे तंदूर सिले का बच्चा लगाने मेरी जान ऐसा लगाने जे प्लेठी का बच्चा नहीं लगाते। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग माय स्वीट हार्ट फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ सभी फ्रेंड्स ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, काम भी ठीक है, बच्चे भी ठीक हैं और काम आ गए हैं मंडी से। आज मैं वॉक पे नहीं गई, क्यों नहीं गई, उस्मान भाई के घर से सुबह 4-5 बजे तो हम आए हैं। आए हैं तो मैंने कहा 5 मिनट आँख लगा लेती हूँ, लेकिन मेरी आँख जो लग ही गई है, आँख नहीं लग देती ऐसी। कामरा का दिन था कि ये आज ना आ जाए तो छुट्टी मार ले। कामरा ने ये चलाकी की, हम कुछ चले गए अपनी मंडी और मुझे गए छोड़। और सब जो सलाब आया हुआ है ना, सभी ने उनके लिए दुआ करनी है, उनको सपोर्ट करनी है। अगर उनकी जितनी भी इमदाद की जाए उतनी कम है, सभी मिलके उनकी सपोर्ट करें, उनके लिए दुआ करें। वो बहुत परेशान है, अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे। और जो लोग अपने घरों में परेशान है, अल्लाह पाक उनकी भी परेशानी दूर करे। जो लोग कारोबार में परेशान है, अल्लाह पाक उनकी भी परेशानी दूर करे। जो लोग बे औलाद, अल्लाह पाक उनको औलाद दे। प्यारी सी गोलू मोनू जैसी, मेरी तो हर वक्त यही दुआ होती है सबसे पहले, कि मैं सबके लिए पहले मीठी मीठी दुआएं कर लूँ सबके लिए, जो फिर मेरे दिल को सुकून हो जाता है। मुझे पता है मैं एक माँ हूँ, तो माँ की जो होती है ना, मैं समझ सकती हूँ कि जिनकी औलाद नहीं है, मैं समझ सकती हूँ कि जो कैफियत कैसी है, कि उनकी फीलिंग मैं समझ सकती हूँ कि उनकी औलाद नहीं है। मैं तो यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक सबको दे दे औलाद को जिनकी औलाद नहीं है। मेरी दिल से दुआ निकलती है, तो अल्लाह पाक सबकी परेशानी दूर करे, सबके कारोबार में बरकत दे। तो यहाँ पे मैं आ रही थी चाय और देखते भाई कौन आए। हाँ जी, हाँ जी, शो तो बोलो फिर की क्या जी फ्रेंड। यहाँ पे मेरी बन रही है चाय। अच्छा, तो बाहर कौन आ गया था? वो आ गया था आसफ। आसफ उस्मान भाई की शॉप पे होता है, तो वहाँ पे ये देखे मैंने किए हैं पहले जो अंडे उबाइल। मेरी जान दे ना लिशकारे पे अंडा पे ने फेस दे ऊपर है, धुप्पा पैंदियां भी है धुप्पा। फ्रेंड्स साडी तरपाल जेड़ी है ना सारी सड़ फट गई है, ते मैं ना अपनी जान नु छड़ दे करो फिर अपनी जान नु धुप्पे दे विच याद खून दिखाया ना करो या फिर मैं नवी ला के दो दो एक ही गल करो। हाय हाय, गुस्से दे विच ते वैसे ही बड़ी सोहनी लगदी है। फिर करी गुस्सा जरा यार, मेरी चाय अंदर गुस्सा ते कर मेरी सोनिया शहजादी है, हीरिया चंद मखनी है, मेरी ये फुल पतीनी है। यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ चाय। चल के पता जी, जब आप उसको गुस्सा आता है ना, तो वो बात बुरी बुरी नहीं सुनती, वो इधर उधर बात को घुमा फिरा के ले जाती है। फ्रेंड्स तो उन्हें की लगता है सुन गुस्सा आता है का कमेंट से दसना है। अदर देखियो आसो, अदर देखी जिनी चंगी लगती है, अड़ी चंगी है नी, मार दिया तो लक दे विचो जो मुक्का मार दिया सा नहीं आता बंदे नू। मेरे फ्रेंड जी बताएंगे मुझे गुस्सा आता या नहीं आता। मैं कहना सा नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, सा नहीं आता। कई बार एक दो तीन बारी तो मेरा साह उखड़ते उखड़ते बच गया। वो बच्चा ने कहा कि पापा पापा असी है, फिर मैंने और ख्याल आया, मैं फिर वापस आ गया। इधर तू छड़ पहले, मेरे ना बच्चा ने ना मैंने कहा पापा पापा, मैं उन्होंने शक्ल दे के फिर वापस आ गया। मैं तो आर पार होने वाला सी, हूँ ब्रोड ब्रैड जरा लिया एक बार खाधा दूसरी बार खा नहीं सकी। देखिए मैंने चाय फीकी बनाई है, क्योंकि मैंने ना पीना मीठा ना, तो वैसे ना मेरे पास शक्कर भी है बड़ी जबरदस्त, बहुत पतली हो गई है मेरी जान है। देसी शक्कर है ये, देखें बड़ी मजे की शक्कर है, लेकिन ना देसी है ये, मैं थोड़ी सी चाय में डाल सकती हूँ, लेकिन ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए ना फिर मैंने ना ये भी नहीं डाली। गर्मी तक कामरा को चीनी लेने नहीं भेजा। अच्छा अच्छा, डब्बा खा लिया इसलिए कामरा फीकी चाय पियेंगे, तो मैं भी फीकी पीऊंगी। और अगर कामरा का दिल कर रहा है तो मैं ये डाल दे, डाल दे, आज शक्कर ही डाल दे, आज शक्कर ही चलेगी। मैंने ना कामरा ना हाथ धोके फ्रेश हो गए थे, तो बड़ी गर्मी है बाहर, अंडे शांडे आ गए, जर्दियां छुट्टियां गर्दियां भी हैं। अगर अंडे पाले ना ना जाए तो यकीन कर चूजे निकल के मुर्गियां बन के बहुत महंगा बिकन। आज का पता क्या है, इसको मैंने इसमें चूहा रखा हुआ है, पता है आपको, कवर में, इसलिए कवर में रखा हुआ है, ये कवर में खराब नहीं होती। मेरी जान तू कम मुका जल्दी जल्दी, मैं ना बहुत 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 जरूरी काम जाना है।
पंजाबी भी बड़ी सोहनी बोलदी है, ठोक जा के बोलदी है। अपने कमरे च उत्थे जाके मैं खान लगी अंडे दी सफेदी। मेरी जान बड़ी सोहनी है, चाह पी लगी है। चाह साडी चाह केड़ी है? चाह बड़ी जबरदस्त। वाह जी वाह। एक गल सुनावा तने? चाह पी लंदे फिर गल सुनाई यार। चाह दा गुड़ पा लो एक गल। हाय हाय हाय। मैं अगले सामने से एक बात करने वाली है। हाय हाय हाय। बड़ी वधिया चाह। क्या बात है फ्रेंड्स। अच्छा मेरी शहजादी दी चाह बड़ी वधिया। हां गल सुनावा तने? हां जी सुनाओ। ना ना नाश्ता भी कर दे। साडे जेड़े मोहल्ले च ना। हां जी। फ्री है ना? फ्री है। हां प्यार कर मेरी गल सुनो, जेड़े भी फ्रेंड्स सुनते पे ना, कोई गल नहीं, अपनी बुढ़िया के दिमाग कराया करो, तो उन्होंने मारे गुटे ना करो। प्यार थोक वाला प्यार नहीं पा के दिंदी। सारे पता मैं चाह कप च किस तरह पाई है। अगर तुम मेरा कोई ऐसा काम करोगे तो मैं थोक पा के। लेकिन अगर मैं तुम किसी की गल सुनाइए हकीकत गल है। अच्छा जी देख जाने सुन रहे ना, एक बंदा है साडे मोहल्ले च अपनी बुड्ढी नु मारदा है, ते ओरी जिहड़ी बुड्ढी है ना उहनू अपने बंदे नु चाह च तोपा के दिंदी है। ते ओदी सस उहनू सुना ओदे बंदे नु मारदी है, अपने बंदे नु मारदी है, ओदी तोक पा के दिंदी है। ओदी सस ओ अपने ओदे ससुर नु मारदी है, ते ओ ते तोक पा के दिंदी है। ओनू तोक जेड़ा ना ओ बर्दाश्त है, जेड़ी ओदी सस है ना ओदे बंदे नु बड़ा मारदी है। बिल्कुल ओ ओ पता भाई जी खतरनाक काम है, ते ओ तोक खा ले ओ चंगा मार ना गए। तोक पी ले गए आज खा भी ले जो भी करना। फ्रेंड्स अज गला च ना जाए, आसा जी अज फनी मूड च है, पता नहीं आनू की होया। महाराज चलो कोई गल नहीं, इंजॉय करो, मैं नाश्ता कर ला, नहीं तो मेरा जरा नाश्ता बाहर आ जाना है। जी फ्रेंड मैं जा रही थी सलोन और यहाँ कहता मैं उन्हें पीना है मिले शेक, मैंने इसको ना सब कुछ डाल दिया, वो खुद ही कर लेगा अब ग्रैंड, और मैं जा रही हूँ। ठीक है, चीनी वगैरह नहीं थी ना, इसलिए चीनी डालेगा तो ग्रैंड कर लेगा। तो मैं और कामरा में जा रही हूँ सलोन, आई एम रेडी। और चाय का मजा आया, मैंने कामरा को चाय का बहुत मजा आया। मजे की थी जितने पानी निकले तो पता चलता है पानी कितनी गर्मी है, और गर्मी नहीं पता चलता गर्मी का, जब पानी निकलते हैं ना तो नहीं पता चलता गर्मी की। जी अल्लाह का शुक्र ठीक हो गया ना, यकीन आ गया। मुझे कार आई हुई थी, क्या नाम है आपका? सोफिया की मुझे कॉल आई हुई थी, मैं घर बैठी मैं चाय पी रही थी, तो मुझे कह रही थी अभी हमने मैंने मिलना है, और मैं बात हुई मेरे से ना स्टूडेंट ने मेरे नंबर दे दिया ना बात करवाई है, तो कहने लगी कि मुझे ये यकीन नहीं आ रहा। मैंने कहा नहीं सही है, मैं वही हूँ वही हूँ। बिल्कुल नहीं चेंज। अच्छा सही हो गया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कहाँ से देखा, यूट्यूब में देखा या टिकटॉक में देखा? अच्छा टिकटॉक में। मैंने आपकी सारी वीडियो देखी है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
तो अकेली आई है अब जी, मैं अकेली समझ लो। इतनी सामने कोई और भी है? छोटा भाई है वो, हम इधर गाँव आए हुए थे ना, उधर से हम आए। अच्छा ठीक है, तो जी मैंने इनसे बातें करते हैं, मिलते हैं, क्या खाना पीना है आप? अभी कोई रेमेडी बता दे बालों के लिए, तो अगर आपने बालों के लिए रेमेडी चाहिए ना, तो पता क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, गोल लेना, उसमें डालनी है 2-3 चम्मच, अपने बालों के हिसाब से, अगर बाल लंबे हैं तो फिर 4 चम्मच लेने, अगर बाल छोटे हैं तो 2 चम्मच ले लें। 4 चम्मच आपने लेने हैं मायोनीज के, 1 लेना है अंडा, अगर छोटे बाल हैं तो हाफ ले लें, अगर बड़े बाल हैं तो फिर फुल 1 अंडा, 1 लेना है अंडा लेना है, 4 चम्मच लेने हैं अपने मायोनीज के, और 2 लेने हैं विटामिन ई के कैप्सूल, साथ में आपने लेना है कोई सा भी शैम्पू ले लेना है, ठीक है, थोड़ा सा दही लेना है, थोड़ा सा लेना है आपने कोकोनट ऑयल, ये चीज़ें आपने करनी है मिक्स, और अच्छा सा आपने लेना है पेस्ट, तो नाक लगा लेना है अपने बालों को, तो तकरीबन आधा घंटा अपने बालों को लगा के अपने बाल जो है ना किसी भी शैम्पू से वॉश कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त आपके बाल शाइनिंग भी आ जाएगी और ग्रोथ भी करेंगे और अच्छे भी लगेंगे। ये बहुत अच्छी टिप्स है जो मैंने अपने फ्रेंड्स को बताई है, आपने जरूर शेयर करनी है, मुझे आया होता कमेंट करता आप ही कि आप अच्छी सी रेमेडी बताना, तो ये बालों के लिए बड़ी अच्छी है। ये आपके बाल जो है जो हम करते हैं ना, हम कैरोटीन करते हैं, बालों को स्टीम करते हैं, वो हमारे पास ट्यूब्स होती हैं, ये हमारे पास घर की जो टोटका है ना, ये वो चीज़ है जो आप यूज़ करेंगी ना, तो बहुत ही अच्छे से आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, इससे आपके बाल बड़े ग्रोथ भी करेंगे, शाइन भी करेंगे, और जिनके बालों का जो वॉल्यूम कम है वो भी अच्छे से ज़बरदस्त हो जाएगा। समझ लगी है ना आपको, ये जो चीज़ें ईजीली आपके पास घर में मौजूद होती हैं ईजी, ये आपने अपने बालों के लिए इस्तेमाल करनी है, बहुत ज़बरदस्त। और अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए हो, लहंगे चाहिए हो शादी के लिए, तो मोस्ट वेलकम है, यहाँ पे देखिए मेरे पास लहंगे हैं और बहुत प्यारे लहंगे हैं, यहाँ पे जो मैंने दिए हुए हैं स्टिच के लिए, तो कुछ लहंगे यहाँ पे जो स्टिच होने के लिए रखे हुए हैं, ये जो अगले सीज़न है शादियों का जो उसके लिए, और माशाल्लाह कोई कुछ फैन फॉल भी आती है मिलने के लिए हमारे फैन, तो कुछ वीडियो बनाते हैं तो उनको हम वीडियो उनकी वॉइस ले लेते बना लेते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं वॉइस भी नहीं लानी थी, सोचते उनकी हम वॉइस भी नहीं लाते, लेकिन हम उनसे बातें करते हैं बैठ के, उन्होंने जो काम शाम करवाना हो तो फिर उनके काम की हम वीडियो कुछ नहीं बनाते हैं, जो नहीं अच्छा समझते हैं हम उनकी वीडियो नहीं बनाते हैं। बाकी ये कि आज माशाल्लाह काफ़ी फैन फॉलोइंग हमें आए मिलने के लिए, और ये जो रेमेडी मैंने आपको बालों के लिए बताई है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है और आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है। अगर किसी का फेस ख़राब है, अगर किसी का फेस होता है ना रेड, फेस पे अक्सर चीक रेड हो जाते हैं बहुत सारे, तो वो अपने फेस पे सन ब्लॉक यूज़ करें, सन ब्लॉक अपना कोई साथ कोई मेडिकल होगा आप डॉक्टर मेडिकल डॉक्टर से चेकअप करवाएं, ताकि वो आपकी स्किन देख के चेक करके आपको एक सन ब्लॉक दें, फेस के हिसाब से जो फेस पे सूट करता है वही यूज़ करना चाहिए। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कमेंट पा रही थी और मुझे कमेंट आया हुआ था, जवेरिया अहमद, आप ही मेरे लिए दुआ करना, मेरी औलाद नहीं है जी, ज़रूर क्यों नहीं, आपके लिए नहीं दुआ करनी तो हमने किसके लिए करनी है, अल्लाह पाक आपको प्यारी सी औलाद दे, मेरी दिल से दुआ है, और जो मेरे प्यारे फ्रेंड्स मुझे सुन रहे हैं आप भी उनके लिए दुआ करें, जवेरिया अहमद के लिए अल्लाह पाक उसकी प्यारी सी सुनी गोद भर दे, आमीन सुम आमीन। यहाँ पर मुझे बड़े बड़े प्यारे प्यारे कमेंट आए हुए हैं, और इसका मुझे कमेंट आया हुआ है क्यूट का आया हुआ है जी, क्यूट बेबी, क्यूट बेबी व्लॉग्स कह रही है कि अभी कुछ डाइट प्लान के बारे में भी कुछ बताया करें कि आप डाइट में क्या लेती हैं, जो अपने मैं फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ, जो डेली रूटीन पे सुबह नहार पेट खाली पेट जो लेती हूँ गर्म पानी, साथ में उसके अंदर 1 चम्मच छमाछम, 1 चम्मच हनी, इसको मिक्स किया गर्म पानी के अंदर एक गिलास वो लिया, साथ में थोड़ी सी कलवंजी, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा और एक लहसुन की थोड़ी पीस, इसको मैंने अपने हथेली में रखना है चुटकी पर, वो मैंने लेना है, वो है मेरा डाइट प्लान सुबह का नहार, उसके बाद वो करने जाना, वो करने वो करके आके आके मैंने क्या लेना है, अंडे की सफ़ेदी चाय, साथ में ब्लैक कॉफ़ी, अगर अंडे की सफ़ेदी सुबह सुबह नाश्ता करना नहीं दिल करता, कोई सा भी एक एप्पल, कोई एक अमरूद या एक बनाना ले सकते हैं आप, दो भी ले सकते हैं, अगर सुबह सुबह वॉक करने के आगे कुछ नहीं खाने को दिल करता आप फ्रूट भी ले सकते हैं, फ्रूट खाने के 1 या 2 घंटे बाद आप अंडा या उसकी जो सफ़ेदी वगैरह जो बॉयल एग की ले सकते हैं इजीली, जो दोपहर को मैंने तो अभी इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था, मैं सलोन थी तो मैंने क्या खाया है हाफ छली, ये भी खा सकते हैं हम, जोन सी मर्जी खा सकते हैं, बॉयल खा सकते हैं, जो किसी ने नमक वाली जो जिस तरह का दिल चाहे वो खा सकता है, मेरे पास यही ऑप्शन था, मैं सुनाऊंगी थी
चली भेजी तो मैंने खा ली है और मैंने कुछ नहीं खाया। रात को जो कुछ खाऊंगी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दूंगी, कोई रात को रात को मैं जो कुछ खाऊंगी आपको बता दूंगी कि मैं ये खाने वाली हूँ। और योर और यहाँ पे जी बड़े मज़े मज़े के कमेंट आए होंगे जी। मायरा मायरा उमेर थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है आप मुझे इतना प्यार करती हैं, इतने प्यारे कमेंट करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे है आदिल अक्रम, ठीक है आदिल अक्रम मैंने आपका नाम ले लिया, आप ही यहाँ मेरा नाम ले नहीं लेती, ये ले जी आदिल अक्रम आपका नाम ले लिया, बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें इतना प्यार करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। और यहाँ पे है मेरे पास हाँ फौजिया अतीक, थैंक यू सो मच शहजादी, आपका नाम फौजिया अतीक है और आपका भी नाम ले लिया, जिनका नहीं लिया उनके लिए भी लव यू और जिनका लिया उनके लिए भी लव यू। और यहाँ पे मुझे कमेंट आया हुआ था सोबिया शेख, अभी अभी मेरा नाम नहीं लिया, सोबिया शेख आपका भी नाम ले लिया, हैप्पी खुश होगी अब जिन, मैंने पहले भी कहा था कि मैं नाराज़ नहीं होना और बड़े अच्छे कमेंट मेरे पास आते हैं तो जो मेरे जहन में आ जाता है तो मैं फौरी से उनका नाम ले लेती हूँ, ठीक है। अभी मैं और बताती हूँ, एक और है मेरे जहन में आ रहा है, हाँ शाजिया काशिफ और नाइला फरूक, बहुत अच्छा लगता है आप जो कहते हैं कि अभी आपकी जो वीडियो होती है हमें बहुत पसंद है, आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत प्यारी लगती हैं, और जो कामरान की पंजाबी है वो भी बड़ी अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच। कामरान की जो पंजाबी है वो जैसे है वैसे ही अपनी पंजाबी बोल लेते हैं, सभी माशाल्लाह बहुत लाइक करते हैं, थैंक यू सो मच जी। फ्रेंड्स ये देखें आ गया है हीरो, हीरो हीरो क्या लेके आया है, दाल मूंगी की और मूंगी की और नीम को मनीम को कहता मरान ही कहता बैठो भैया पता नहीं कौन है, तेरा हीरो है, हीरो भैया सामने मेरे जी आ गया है हीरो, हीरो आ गया हीरो चेयर खाली कर देती है की खान दे हो जी आसवाद बह गया तो खाना। फ्रेंड्स कहंदे ने के कामरान जेड़ा ना बड़ी सोहनी बोलदा पंजाबी, अच्छा मैं कह मनु ही आंदी है मैं दस दिना मेरे ना पंजाबी ही बोलदी है, दूसरा ना उर्दू बोलदी है, यस उर्दू बोल के दस दो, यस यस मुझे पंजाबी आंदी है लेकिन मैं उर्दू बोलती हूँ गुलाबी वो तो मजा आता मेरी गुलाबी चढ़ के पंजाबी उर्दू है आगे देखिए मैं दिखा रही हूँ कामरा की दुकान की नीम को, ये चिल्ली नीम को अब ये चीजें ये है जो सिली चीजें मुझे लगा देते हैं मैं लेकिन मैं खाने वाली नहीं हूं, तू ही मुनु घर दे वैसे जेडी अच्छी बुच्ची की चीज है वही बोल लग गई ओए कंदी है बच्चे कहने हैं मम्मा ऐसे ही नहीं चीज है कहने पापा ने दे दो अल्लाह माफ कर दे क्या हो नहीं सकता है मैं तो थोक पा के दे दी जेड़े थोक पा के बच्चे केक रस नहीं खांदे वो कहने चलो पापा खा लेंगे थोक पा के दे दी नहीं मैं तेन मारता ही नहीं सुभान आ गया है, सुभान मामा को लेने आयो की वैसे मामा को मिलने आयो, अच्छा तो मुझे तुम लेने आया, पापा नहीं लेने आए, नहीं पापा को मैंने कॉल की है वो आने वाले मुझे लेने के लिए, मामा फारग हो गया, मामा भी हो जाएगी घर। ये फ्रेंड्स मैं कहने वाली हूँ स्लोर क्लोज, बहुत थक गई हूँ तो अब मैं जाने वाली हूँ घर, देखते हैं घर जाके मैंने क्या क्या काम करने हैं, साथ मेरे साथ सुभान खुश हो गया, सुभान क्या खाना है, क्या खाना है, क्या बनाए मामा घर जा, भिंडी खानी है, नहीं पुलाव पका लो, पुलाव आज मेरे सपने में पुलाव आया है, सपने में पुलाव आया, मैं पुलाव खा रहा
तो तुम्हारी तो डाइटिंग जो बैली तो बड़ी कम हो गई हुई है। अच्छा जी चलो चलते हैं, देखते हैं मामा क्या बनाती है। ये देखिए कामना को पड़ गया सुस्ती, अभी टाइम हुआ पता नहीं कितना है लेकिन सुस्ती पड़ गई है। ये बेल बुल जरी है ना बेल बेल दी जी फ्रेंड कामना गया लेने की बिल्ला जी चल जाते हैं सारे। अच्छा फिर एक मिनट जी फ्रेंड यहाँ पे एक मिनट आया हुआ है मलका प्रिंसेस, सारे व्लॉग देखती है, इतना प्यार करती है, इतने प्यारे कमेंट करती है, लेकिन क्या है कि वो मुझसे नाराज है। अच्छा? क्यों नाराज है? क्योंकि मैंने नाम नहीं लिया। अच्छा? मलका प्रिंसेस का नाम नहीं लिया मैंने। जेडी है ही प्रिंसेस दा ते ओनु सारे जानदे ने, ओनु दसन नाम लैण दी जरूरत ही नहीं, शहजादियां ते सब नजर आई। मलका प्रिंसेस लव यू होगा शहजादी, मेरा नाम नहीं लिया। हैप्पी हो जा, हैप्पी हो जा, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। जी फ्रेंड्स ये देखे जी मैं आ गई हूँ सदीक भाई की शॉप पे, और यहाँ पे मजे मजे की देखे बैंगल्स, देखे क्या बात, क्या बात है। ऐ देख लो, ऐ गोना देख लो, ऐ कोई चूड़ियाँ लैनी है। और ये देखे फ्रेंड्स कितनी मजे की शॉप है, ओए वाह जी वाह, ऊपर आंदे देखे फ्रेंड्स कितने मजे के हैं, हर कलर हर कलर, और शॉप पे तो ऐसे छमछम कर रही है छमछम, वाओ क्या बात है, कितने मजे की चीजें है, कितने मजे की है फ्रेंड्स। ये देखिए कितना प्यारा परांदा है, कितना प्यारा परांदा है, जितने प्यारे कलर हैं, ये देखिए ऐ मतलब गोना देख लो, ऐ को चूड़ियाँ लेनी है। ये देखिए कितने मजे के सेट हैं चूड़ियाँ, और ये मैं हूँ आई हूँ सदीक भाई की शॉप पे, और यहाँ पे आके मजे कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए चूड़ियाँ वगैरह अभी मेरे हाथों में है, अभी जब पहनू इधर से पहनती हूँ, ये देख रही। हाँ जी जनाब, जब भी मैं यहाँ से गुजरती हूँ मुझे सदीक भाई यहाँ से जाने नहीं देते, कहते हैं चूड़ियाँ लेके जानी है, दिखा के जानी है, तो यहाँ पे वीडियो बन के जाएगी, इस तरह नहीं जाएगी। आज मैंने खुद ही देख लिया, क्या बात, ये देखिए फुल बटा फुल माल है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त बंदे ने बस याद रखे। ये देखिए फ्रेंड्स कौन है, वालेकुम सलाम, हेलो विजय बोले फ्रेंड। ये देखिए जी रिहान की तरफ, क्या बात है, मुंह च पानी आ गया मेरे मुंह में, तो बड़ा आया लसूड़े मिक्स मेरे मुंह में, इतना मैंने चौड़ी खा लिया। वो बाजी बात रिहान तेरे मुंह से मेरे रिहान, परोठा परोठा पकाया भी कितने तू, परोठे परोठे तक है तंदूर। यहाँ पे है आम, यहाँ पे है मिर्च, और वहाँ पर एक और चीज है, और यहाँ पे बड़े मजे मजे के मिक्स चार है लहसुन, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, ये मुंडा ही हो मेरी दुकान ही हो मुंडा कहता ही नहीं है। और वहाँ पे पापड़ है, वहाँ पे मैक्रोनी है, चीजें हैं मजे मजे की, और यहाँ पे मैं हूँ जो लगना आई हूँ वीडियो काम की शॉपी। जी फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ घर, और देखती हूँ बंद ही है, आ खोले खोले मले मामा आ गई, मैं व्लॉग ही देता है फैन जनू मैं, ओ तेरी खैर, ओ तेरी खैर, ओ मेरा मोटू गोलू पोलू लडे लडे
देखो कैसे आई है, मैं जिद के जावा, मैं जिद के जावा, जिद के जावा, जिद के जावा, कोला मेरा, कोला मेरा, कोली कितने गया सी तू, तू कितने गया सी, आई आई है मैं पता, चिकन चिकन लेके आई हां। देखिए पिंकी हां आ जा ले हजरा को आ जा, टिंकू सबसे पहले दूर गए हो पिंकी, टुकी टिंकू ले देखो, ये देखो मामा आ गई जी। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ घर, और घर आके ना काम धो रहे हैं बर्तन, कहना मेरा फटाफट व्लॉग बना, पता चले सारे ने मैं बर्तन धोने, सारे धोते जाने बर्तन की है, एक जग ते एक कोली ते एक गिलास, मेरे से पीता पीछे पे, और ये देखिए जी फ्रेंड्स ये काम है कामरन के, कोई काम नहीं है, और काम रात को होने हैं बर्तन धोने वाले, वो धोने हैं धोनी ना दिन वाले, मैं धोले तो बारो बारी है ना, नहीं नहीं पानी लाई दिया बारो बारी है मेरे मेरे तेरा था कोई चक्कर नहीं, बारो बारी है ना, चिकन भी तो हो गया, अज तुसी सारा काम करो, तो कि जिन्हें खाना है फ्राई वो खुद बनाए फ्राई, अज आशा भी बनाएगी फ्राई, अज तू सरप्राइज है, नहीं कि रेसिपी की बनानी है तू, पहले दस दा फ्राई फ्राई फ्राई, अरे मतलब तू बना रही है फ्राई, अजने जिकन फ्राई, आज फ्रेंड काम बनाने वाले हैं चिकन फ्राई, ये करेंगे जेड़ा बस में अपने बुढ़िया नु मार दिया ना, वो चिकन फ्राई भी जेड़ा ना सब नाल खान करने, और फ्रेंड्स मेरी बात सुने, वो जो कामरा ने ना आज करना है चिकन फ्राई, वो इसलिए करने वाले हैं क्योंकि कामरा ने कहा कि आज मैं करूँगा सारे काम, आज आप करोगी रेस्ट, इसलिए आज मैं रेस्ट करूँगी, यहाँ नहीं करना फ्राई। अगर बिना सही रहोगे तो मैं पता है मैं की करना है, सही है मेरी जान फ्लैश एल मेरी जान चमका दमका चमका दमका अचार काम है मेरी जान मैं अचार यहां तक खत्म हो गया था, और आज से चार पे जा लाहौर तहीद भाई को, यहां पे मेरे जो चीजें हैं सोंगियां आलू बखारे पापड़ घर ही दुकान पा लो, मेरी दुकान की जरूरत कैडी है, मैं करे मान ले मैं मेरा सामान तेरे बच्चों का ये दे दूं पखेरे ये देखे नहीं मेरी शायद मेरा शायद तो इधर ही है, देखो चीज खत्म हो गई, ये दीदी जी ट्री आ रही थी मैं ले आई, ये मेरी आ मेरा शायद मेरा हनी तो है ये है लौंग लिखदा लक पतला लौंग है लौंग की लौंग नकदा लक पतला सदके और टून टून टूंगा पता नहीं की मैं बोलियां होंदी पर पंजाबी बोली होंदी मैनूं तो समझ आई जांदी है लोगों नूं पता नहीं आंदी कि नहीं आंदी मेरी सर ये मैं खुद ना शॉपिंग मैं खुद करती हूँ जब कामना के साथ जाती हूँ इतने अच्छे लोग हैं ये सही देसी लोग हैं ओ यही लोग मटरों के चावलों ने खाए बड़ा मजा था वाह जी वाह मटर वाले चावल याद कराई थे माशाल्लाह बहुत मजा था बाकी यहाँ पे जो है ना ये चीजें हैं बच्चों के पापड़ से खत्म हुए थे मैंने यही फ्राई करके बच्चे खाते बच्चे बाहर दरवाजा खड़का के चल जाते हैं बच्चे बन देना किसी दिन फट के वो बच्चे ना हम आ रहे वापस चिकन हम करने वाले हैं तो फ्राई तो किस तरह करेंगे आइए हमारे साथ मैं बताती हूँ आपने ये चिकन किसे फ्राई करना है इसको पहले अच्छे से हमने धो लेना फिर नमक लगाना है फिर नमक लगाना थोड़ा सा ज़्यादा
और फिर इसको धो देना है। धो के इतना प्यारा शाइनिंग आ गई है, चमक आ गई है। हाँ जी, चमकदार चमकियो। तो फिर मैंने क्या करना है आपको पता ना, मैं क्या करती हूँ आपको मेरे जी चिकन फ्राई की रेसिपी का पता ना? नहीं पता। पता है जेडे नए आया उन्होंने की पता। चले फिर मैं आज फिर दोबारा बताती हूँ कि जो मैं चिकन फ्राई करती हूँ, जो हमारा फेवरेट चिकन है, फेवरेट फिश है, फेवरेट मिर्ची है, फेवरेट लहसुन है, जो हम फ्राई करते हैं जिसको मैं बोलती हूँ काजू, तो उसकी जो रेसिपी है वो ये है। इतनी आसान है, ये देखिए मैजिक ये है इसके नीचे। हेलो सिम सिम, खुल जाओ, मिक्स मसाले हो गए। फ्रेंड ये देखिए जी, ये है दादर मिर्च पाउडर, और यहाँ पे नमक, यहाँ पे है चिकन मसाला फ्राई वाला, यहाँ पे है हल्दी पाउडर, यहाँ पे है अजवाइन, यहाँ पे है ज़ीरा, और याद ही रहा एक मच दाने का, और बड़ी 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 ये है लाल मिर्च पाउडर। तो भाई अल्लाह का हिसाब ना ले, तुसी खाने में मसाले तुम्हारे वास्ते से बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स ये देखें, ये जो बड़ी स्पाइसी मिर्च है दादर मिर्च, ये मसाले दिए देखिए इसके अंदर, इसको मैंने अच्छे से लगा दिए हैं मसाले। कुछ नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, जो है जो सामने लगा दिया इसको लगा दिया, ये देखिए जो कह देता वो कह देता। हाँ बस कुछ नहीं करना, और ऐसे ड्रामा होता कहते हैं ना, ये रखो पहला अद्धा घंटा तो पौना घंटा, तो ये राणे ने जो कह दिता वो कह दिता। कुछ नहीं करना, सिंपल मसाले आपके घर में मौजूद हैं, ये जो मसाले मैंने लगाए हैं, कुछ नहीं करना। देखिए कितने ड्राई है, खुश्क है, इसको मैंने लगा दिए हैं। अक्सर कहते हैं कि इसको लगाएं मैरिनेट के लिए रख दें आधा पौना घंटा, मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है रखने की, क्योंकि मैं करती हूँ तो इसी तरह ही करती हूँ। अभी देखें इसको नमक को हमने पहले लगा लिया हुआ था, ये देखें अच्छे से मिक्स भी हो गया ड्राई। अब मैंने क्या करना है, ये अब मैंने इसको ये फ्राई, ये देखें ये हैं मसाले, ठीक है फ्रेंड्स ये लग गए हैं। यहाँ पे मेरे पास मिर्चें हैं, मिर्चें खानी हैं सिर्फ कामना ने, क्योंकि आप पता जो क्या कहते हैं रोटी तो मैंने खानी नहीं है, तो मिर्चां दे विच क्यों टेढ़ पाड़नी पियां ना दे, पहले तो लाद करना है, तुसी खाइए ना लाद करना था, मैं छड़ना नहीं, मैं वट के रख देना मैं। फ्रेंड्स ये मसाले के अंदर हम ना मिर्च के अंदर हम बढ़ सकते हैं थोड़ा सा चाट, बहुत जुलम कर रही है मिर्चा तो टेढ़ पाड़ी जा रही है, वजह टेढ़ पाड़ने नाल की हो रही ना, इसलिए मैं इसको कट लगा रही हूँ, क्योंकि अक्सर ये जब हम इसको करते हैं ना फ्राई बेसन लगा के ये मारती है पटाका। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर ये कि इस तरह ये पटाका नहीं मारेगी, जो छींटे पड़ती हैं पटाके की मुंह के ऊपर, अक्सर बाजू के ऊपर, अक्सर हाथ के ऊपर पड़ जाती है। फिर आधा टेढ़ पाड़ो, पाड़ो इसको तो ये देखो ये हमारा हो गया है इधर रेडी। और यहाँ पर मुझे हाँ कहाँ चला गया, अभी तक आया नहीं है, यहाँ पर मैं ना पूरा चलाने वाली हूँ। चलो गैस चलिए, ये है नवाज शरीफ का हाल, नवाज शरीफ क्या करूँ मैं। अगर कहूँ ना अपनी जगह, जब मैं कहती हूँ ना तो फिर जब मैं बोलूँगी ना नवाज शरीफ के बारे में, क्या नवाज शरीफ है तो नहीं है, शहबाज शरीफ है ओदा भरा नहीं है। ये देखिए जब आती है गैस तो हम चिकन करते हैं फ्राई। ये फ्राई की देखिए मैं जो ना अपने लिए बनाने वाली हूँ चिकन, जो मैंने करना है बॉयल। क्या किया मैंने, पीस डाले इसके अंदर, पानी डाला, वही जो मसाला चिकन को लगाया था ना मैंने वही डाला, और ये देखिए चिकन के जो लहसुन के जो काजू के पीस, थोड़ी सी चिली सॉस, थोड़ा सा गया सिरका जैसे कि विनीगर, और यहाँ पे गई सोया सॉस। इसको मैं लगाने वाली हूँ वेट 15 मिनट, अच्छे से इसका कचूमर निकालने वाली हूँ जो कि मैं खाने वाली हूँ। देखो बंद होंगे तो खादी नहीं है, प्रेशर कुकर बंद होंदा हो गया, ये है प्रेशर कुकर फ्रेंड्स, और इसका मैंने लगा दिया है वेट।
बहुत जल्दी इसको वेट लगा के 15 मिनट में आपको दिखाती हूँ इसकी लुक जो कैसी है, जो कि मैं खाने वाली हूँ। इसी में से मैंने चीज निकाली है, इसी में से मसाले लगे हुए थे। ये देखिए जी, मेरा जो चिकन बॉयल रेडी हो गया है। ये देखिए मैंने चूल्हा कर दिया है बंद, इसके अंदर मैंने कोई नहीं डाला ऑयल, कुछ नहीं डाला। आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज थोड़ा सा हटके बनने वाला है यहाँ पे, और इसका जो सूप है वो भी पीऊंगी। जी मेरी शहजादी है, हीरी है, चन मखनी है। मैंने बिल्कुल नहीं ऐड किया, बिल्कुल नहीं। ये है मेरा जो डिनर, मुझे बताया था किसी ने, पूछा था कमेंट में, अभी जो आपको आपने कुछ खाना ना वो भी बताएं कि आपको आपने क्या खाना है। तो ये मेरा जो डिनर है ये है, इतना ही है, ये नहीं करूँगी, ये ज़्यादा हो जाना, ये इतना ही बड़ा है। और साथ में इसका ये सूप है, और चिकन ये देखिए कितना नरम हो गया है, तो बिल्कुल ऑयल के बगैर है। ये देखें और मज़ा भी आएगा खाने का, इस तरह ये देखें नरम हो गया। साथ साथ सूप ही पियेंगे तो साथ साथ हम ये चिकन खाएंगे इस तरह। और अभी तो तक रिहान आया नहीं है, तो तब तक मैं अपना जो ये वाला खाना खा लूँ। और आज भी निकल रहा सूप को भी, ये देखें साथ हम इसका सूप भी पी सकते हैं सर। कितनी आसान है ना डाइट। मम्मा जी को मैंने कहा कि मैं जो तक चिपना दो, मम्मा जी बालू छीन दी है, चिकन फ्री करना है, कह रहा कि मैंने चिकन नहीं आलू चिकन फ्री और चिप्स ही खानी है, तो मम्मा ये बना लेगा ये कटिंग कर। जी हाँ, यहाँ पर जगी मेरी जो चिप्स की कटिंग हो गई है, यहाँ पे मेरी जो कढ़ाई है वो हो गई गर्म, उस पर लगी हुई है सूप बच्चों को, तो मैं इनके लिए बनाने वाली हूँ चिप्स की फ्राई, और मैंने यहाँ पर डाल दिया। और यहाँ पे आलू कटिंग किया सबसे पहले, फिर मैंने लिया थोड़ा सा नमक हसबे ज़रूरत बच्चों के लिए बनने वाली, यहाँ पे बड़ी मज़े की क्रिस्पी क्रिस्पी चिप्स, ये देखिए नमक, थोड़ी सी अजवाइन और एक चम्मच बेसन, दूसरा चम्मच बेसन का, यहाँ पे मैदा, और यहाँ पे थी तीन चौथी चम्मच, ये देखें इस तरह मैं करूँगी इसको मिक्स। वो यहाँ पे जो सुभान की और गोलू के लिए बन रही है चिप्स, आज फूल गर्म हो रहा है, आज मैंने तेज कर दिया है पूरा, अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको फ्राई इस तरह करेंगे फ्राई आपके सामने। इसको काटनी थी, ये देखें कितने ज़बरदस्त हो गया ना सारे आलू ड्राई भी, और इसको बेसन भी लग गया और थोड़ा थोड़ा मैदा भी लग गया इस तरह से, चिकन भी जा रहे हैं, ये देखिए मैंने दोनों हाथों से ये खानी है चिप्स, किसने खानी है सुभान ने और अयान ने। यहाँ पर मम्मा जी ने कर ली हुई है, मेरा आज गर्म हो रहा है क्योंकि मैंने पूरी आँच कर दी है, इस तरह मैंने खानी है दोनों हाथों से, तो मेरा आज गर्म नहीं हुआ, अभी ठंडा है, अभी पूरी ठंडा है, अभी नहीं गर्म हुई, दो मिनट ऑयल गर्म होते भी अंदर आते हैं। यहाँ पे जो ऑयल गर्म हो गया इसको मैं डालने वाली हूँ ऑयल के अंदर इस तरह, ये देखिए, और बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई होगी इसको, हम अच्छे से इसको फ्राई करेंगे, साथ में आपको दिखाएंगे कितनी मज़े की है, बच्चे भी इंजॉय करते हैं ये चिप्स जो मैं बना रही हूँ और बड़े भी। यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। ये देखिए जी चिप्स हमारी कितनी मज़े की रेडी हो रही है, यहाँ पे क्रिस्पी क्रिस्पी मज़े की, और यहाँ पे जो मैं निकालने वाली हूँ गोलू को नींद आ रही है, गोलू सो रहा है। हाँ मैं मम्मा जी, मम्मा क्या कर रही है, जल्दी जल्दी चिप्स फ्राई कर रही है ताकि गोलू खा ले, तो फिर गोलू कहीं सो ना जाए। हाँ जी, फिर हम उसे उठाते हैं, उठा नहीं पाते, उठते ही नहीं है, उठता ही नहीं है। और यहाँ पे जो देखें कितनी मज़े की लग रही है, थोड़ा सा इसको इस तरह कर लेते हैं ना, अच्छे से आँच मेरी खुली है, फुल 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 आँच है, फुल आँच है, फुल आँच है, और यहाँ पे है हमारी चीज इसी के साथ। फिर जो मेरे पास पड़े हैं यहाँ मेरी पटाटो का पराठा भी ऑयल में, ये देखें ये भी इसी तरह ऑयल में जाएगी, ऑयल फुल गर्म है, इसी तरह ही मैं सारी चीज़ फ्राई कर लूँगी। ये देखें इतनी क्रिस्पी और खस्ता है, ये करते हैं इंजॉय तब तक। चलो जी ब्लॉग को लुको।
वाह जी वाह, जूस मतलब ये ना इनकी पार्टी है। वाह है? क्या खाना है? तो ये कौन सी पैकी है? गोलू सुस्ती पैकी है? गोलू नींद आ रही थी, मैंने खा के सोया। वो देखो पिंक टिंकू भी पीछे। हाँ जी फरी 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 फरी। मैंने अपना खा लिया था खाना, नाश्ता जो भी डिनर मेरा हो गया। और की बारी आ रही है बाद में, इसके बाद आ गई। क्या लेकर आए हो? चिट्टियां लेकर आ गए कालिया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लखाने सिले का बच्चा लखाने ने। मेरी जान ऐसा लगाते जे प्लेटी का बच्चा नहीं लगाते। सस आ सस को जो बच्चा आंदा दवा दवा तो भले भुले आया दिखाना ना हो अज करके ना आंदे ही फटती है। किस तरह की तू देखेंगे ना अजो तू व्लॉग खुद देखेंगे ना फिर तेन पता चलेगा मैं जी गल की मैं सही की तू रेसिपी देख बस तू बाद मेरी गल सुनी नहीं सस नहीं होती जो बच्चा दे नर्स फटाई है अज करके ना लुका के लाई दी ना महल आल दसदिया कहनी प्लेटी का बच्चा ना नजर लग जाती देखा आना नहीं मैं बड़िया सियानिया माइया के नाल मेरी दुआ सलाम रही है। इसके बाद बारी कामरन की आई है। अल्लाह खैर करे जल्दी जल्दी आ जाए। हैं माशाल्लाह जी दसो जरा। वाह जी वाह है तू अजे चिप्स कितने के एन एफ सी आले भी देते रह जाने के। वाह जी वाह शेगार चाफा है जी चिप्स फ्राई करते हैं उन्होंने पता लग जाए ना तो मैं कहना इधर डील कर लो चिप्स सानू कढ़ के देख रहे मैं कहना तेन एक रेस्टोरेंट ना पा दी फास्ट फूड वाला देसी लोग मैंने ना बच्चों के लिए करना था चिकन फ्राई कह रहा मम्मा मैंने खानी है चिप्स मैंने कहा अब इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। आसमान कैसी है? बोलू चीफा अभी भी लड़ो में फिर आ रहे हैं ना नहीं हमारा पेट क्या कहता कहता बस पेट फुल हो गया ये टैंकी दी वैसे थोड़ी जगह खाली है वो भी फुल कर देनी है मम्मा ने जूस ना पियो बहुत खा लो खाने या जूस भी पीएंगे चिप्स भी खाएंगे जी। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं करने वाली हूँ चिकन फ्राई मैदा लिया 3 चम्मच और 3 चम्मच हमने बेसन के ले लिए अपना चिकन के हिसाब से हमने ले लिया मटीरियल वगैरह भर भर के और साथ ही मैंने इसके अंदर डालना है थोड़ा सा नमक चिकन का लगाया हुआ है यहाँ पर थोड़ा टेस्ट के लिए बस थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जीरा इस तरह और थोड़ा सा इसके अंदर पानी इस पर करेंगे अच्छे से मिक्स जिसके साथ हमें चिकन फ्राई करना है और मिर्चें फ्राई करनी है अच्छे से कर लेंगे मिक्स इसका बनाएंगे टेस्ट गोल गोल टेस्ट इस तरह से अच्छे से मिक्स करके तो हम इसके साथ करेंगे चिकन फ्राई। और फ्रेंड्स आजकल चिकन फ्राई खा लो
वो रियाता है। अगर तुसी टमाटर तो प्याज ले लोगे तो बहुत महंगा है। लेकिन वो भी तो आप खाने ही खाना है। यहाँ पे देखिए जी हमारा जो चिकन जिसके साथ हमने फ्राई करना वो रेडी हो रहा है। पीस उसका मैदा बेसन अच्छे से थोड़ी सी ज्वाइन डाल ली अच्छे से। ये देखिए कितना प्यारा सा जबरदस्त बन गया पीस जिसके साथ मैंने करना है चिकन फ्राई। इस तरह का होना चाहिए साथ में लहसुन फ्राई होगा चिकन फ्राई होगा। ये देखिए इस तरह यहाँ पे मेरा ऑयल गर्म है जिसमें मैंने की थी ना चिकन जिसमें मैंने की थी बड़ी चिकन फ्राई वहाँ पे। ये देखें इसी तरह मैंने सारा चिकन फ्राई कर लेना बड़ा ज़बरदस्त रेडी होगा। यहाँ पे ऑयल फुल गर्म होना चाहिए और पेस्ट हमारा इस तरह का होना चाहिए ना ज़रा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला इस तरह का होना चाहिए। और आसपास चिकन एक तिल होना चाहिए हाँ एक तिल भी होना चाहिए चिकन के ऊपर लाल नहीं है तो बना लो बाकी ये जहाँ पे जो है ना आज मेरी ना अपिया से बात हुई है जो यूनिवर्स का उठा रहा है बहुत अच्छी है बहुत प्यारी है बहुत क्यूट है बहुत ज़्यादा और सादा बिल्कुल सादा सिंपल। और इतनी खुश हुई है बात करके कि अभी मैं बड़ी हैप्पी हो गई हूँ आपसे बात करके ना। आसमान ने पर्सनल नंबर दे के कॉल की थी वीडियो कॉल की थी बकायदा फिर बहुत प्यारी और बहुत अच्छी बहन आया है और है भी बहुत सिंपल और सादा और बहुत खुश हुई सी और उसका घर भी बहुत खूबसूरत सी। गलू का पेट भर गया और माशाल्लाह अल्लाह ताला वो प्यारी बहनों ना एक बहुत प्यारा बेटा या और या बेटी या औलाद दे और जिंदगी वाली और तंदुरुस्त और सेहतमंद दे और माशाल्लाह उन्हों हर वो खुशी मिले जड़ी और दिल च है। भाई की दुआ है अपनी बहन वाली अल्लाह पाक उनकी ख्वाहिश पूरी करे। सब कुछ है उसके घर में कह रही मेरे पास सब कुछ है सिर्फ मुझे बेबी नहीं है मेरा तो मेरी बेबी हो रही है मेरा नहीं चलता। अल्लाह पाक देगा गुल मुल से बात हुई है गुल मुल दिखाया हैप्पी हो गया खुश हो गया। फुल आँच रखनी है यहाँ पे ताकि जो हमारा चिकन है वो साथ ना लगे और अच्छे से ये कुक हो जाए फिर हम बताते हैं आपको कि हमें क्या करना है। यहाँ पर फ्राई हो रहा है ज़बरदस्त हो रहा है और मैंने आज बिल्कुल दरमियानी की है ताकि अच्छे से आराम से अंदर से कुक हो जाए अच्छे से फ्राई हो जाए ज़बरदस्त। और ये है काजू मेरे पास यहाँ पे और यहाँ पे मेरे पास है जो हरी मिर्चियाँ हैं इसमें मैंने लगा दी है काट और ये जो मेरे पास बना हुआ पेस्ट ये जो इसके अंदर जरे इस तरह इसको मैं करूँगी फ्राई। वाओ वेरी यम्मी क्या बात है कितनी खुशबू आ रही है क्रिस्पी क्रिस्पी की और बहुत मज़ा आया है। देखें मेरा चिकन फ्राई हो गया बहुत क्रिस्पी है बहुत खस्ता है ये तो कामरान ही बताएंगे खा के बहुत मज़े के लग रहा है और गर्म भी है ये देख सकते हैं मज़े का। अब ये खाएंगे कामरान मैं साथ में लेती हूँ ना मर्चें वगैरह कामरान को फ्राई करके तो मेरी जान खाना खाएगी और मुझे खाएगी ये कैसा बना। और ये जो बहुत ही जबरदस्त है और सोने बड़ा जबरदस्त हर चीज ही मेरी शहजादी दी हत्ता दे सोने मैं कहना जादू है जादू हत्ता च ये जादू तड़कती बोल कहने दाई दे हत्ते मैं वो नहीं कहन दे दाई वाले नहीं कह रहे हैं गल तू मैं और कुछ क्या ही तन्नो वाह जी वाह। और फ्रेंड्स ये खाएंगे कामरान और रेहान और ये देखिए मैंने ना वही इसके अंदर ही मैंने मिर्चे और जो काजू डाला हुआ था इसके अंदर मैंने फ्राई कर लिया। ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त फुल आँच पे रखनी है इसलिए कि हमारी जो मिर्ची है ना अच्छी से क्रिस्पी फ्राई होगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैं निकालने वाली इसको ये देखिए इस तरह मैं निकालने वाली और ये गई भाई इसी तरह से आलू भाई है ना मजे की लग रही है इसी तरह मैं इसको निकाल लूँगी और जमीन से पूछ लेती हूँ ना कि इन्होंने कितना खाना है तो फिर मैं वो कर लूँगी फिलहाल नहीं बड़ा है क्योंकि मुझे पता है उनका।
जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गया है चिकन रेडी और कामरान खा रहे हैं, और साथ में है केचप, हरी मिर्च, साथ में लहसुन, और यहाँ पे रोटी है और कामरान कर रहे हैं खाना एंजॉय। और मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। चलिए आप खाना तब तक खाएं। मेरी जान खाना खा रही है, उसके बाद देखते हैं हमने आगे नेक्स्ट क्या करना है। हाँ सामान मेरा बेटा खाओ, पे खाओ। कहता मामा अभी मैंने गुंजाइश रखी हुई है, पहली में जगह है, आ जाओ पापा साथ, बन जाओ पापा का छोटा काका, आ जाओ आ जाओ। वाटर पड़ा इधर, आ जाओ आ जाओ, साथ बैठो, उधर उधर सामने आ जाओ, पापा के साथ बैठ के खाना खाओ। जी फ्रेंड्स, हमारा वॉक टाइम शुरू हो गया और मैं ले ही काम ने को पाई खाना खिला के वॉक कराने साथ में पूरी। जी फ्रेंड्स, हम यहाँ से लेने आए हैं मेडिसिन नुमान भाई की शॉप से, और मैं आई हूँ वॉक करके। तो कामरा को हो रही थी खांसी, कामरा के लिए लिखा है मेडिसिन, लभदी लोग लभनी नहीं। यहाँ पे कामरान को होगी हुई थी एलर्जी, नहीं नवी शर्ट दोनों आई जी फ्रेंड, मैं करके आई हूँ वॉक और यहाँ पे लेने आए हैं कामरान के लिए मेडिसिन, कामरान को हो रही थी खांसी जुकाम, तो उसके लिए मेडिसिन लेने आए हम। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, कामरान ही ठीक, ऐसे करे थे मुँह अपना अपना किया था। अच्छा ठीक है जी फ्रेंड्स, यहाँ से हम लेने आए हैं बच्चों के लिए केक रस। और निशा बहुत झूठा बोलता है, जो भी गल करता है बिल्कुल झूठ बोलता है। निशा तू की कह दिया ये सही दे बारे से, सही दस दे। मैं तो आखिर में गया, मैं 200 मेरे बोलते हैं। चल फिर ठीक है, कल पा दी फिर। अरे काम छोड़ दिया है। अरे ना, अरे सर देखिए सर कहता कि बेचे रबड़ बैठी है। अच्छा। और मैं सारी तब्दील कराई, अब तो शेखर नहीं मिलती, और नल वाला मिलती है, वो भी ऑर्डर पर बनती है। बहुत झूठा बंदा है, और ऐसे तो सारे यकदम निजगीर करना, इस बाद मैं पता लग गया। अपनी कुड़ी ने मोटरसाइकिल बैठा, छोटी कुड़ी ध्यान बैठाया कर अगे अच्छा बैठाया ही। जी फ्रेंड्स, हम यहाँ से लेने आए हैं बच्चों के लिए केक रस। सुबह ने कुछ कहा था आपके? सुबह ने सर दंद पाना रहने यहाँ पे शॉप मजे की है, यहाँ पे बड़ी मजे की चीजें होती है। वैसे हम इधर से आके शॉपिंग करते हैं बच्चों के लिए, चीज लैके नसना नहीं पैसे। देखो मेरे ना थोड़े ना दोनों चीज आ रही है सारे नहीं देते थी, और सारे ने कहा की ताया जी गल्लां माशाल्लाह बड़ी सोहनिया ने गल्लां जी जेड़ियां कीतियां पसंद आ गई। हाँ पसंद आई है, बाहर भेजो मिंडो ना, सारे जने तुहानू बड़ा प्यार करदे सी, बहुत अच्छा। हां ताया जी तुसी घट कर रहे हो, ताया जी की बर्थडे पे आंडे खाने जाके घर के। हां क्यों नहीं, क्यों नहीं, उधर ना सी ना। हां जी तकीर को किन्ने ले आई आंडे, उधर दे मौके से और नवे ले लेने। हां तो रोज ही तुसी खांदे हो? हां खांदे हो तुसी आंडे? ताया जी को पता है मैं रोज अंडे खाती हूं। अच्छा की उन्होंने पसंद आ गए? हां जी अच्छा ही कहंदे टाइम नु भेजो ना, देना भेज छा की दा बना जाना बाहर है। जरा ना पैसे जोड़ने पे है, कोठी बनानी है, तो हुण ताया जी नूं तुसीं बाहर भेजन दे ना पैसे, ते हज हज करवाने ताया जी। हां ते पैसे उमरे उमरे वास्ते चलो जी, चलो उमरे थोड़े पैसे लगदे। आई रिक्वेस्ट कर दित्ती है, ओ जे कोई भेज देगा मेहरबानी कर छोड़ो। ठीक है एना कोई ना, हां वाह जी वाह। फ्रेंड मैं घर आई हूँ और गुल्लू ने घर की सफाई माशाल्लाह सारी सफाई सफुई करके
कुर्सी है सेन, क्या बात है। गोलू ने भी आज कमाल ही कर दिया फ्रेंड। गोलू ने, गोलू काम करता नहीं, जब करता तो भी सही करता है। मैं कह के गई थी कि जब तक मैं आती हूँ ना तो आपने घर की सफाई रखनी है। वो ये देखे जी, गोलू ने वैपर शैपर लगा, मैंने धोया धोया है जी फ्रेंड्स, मैं करके आ गई हूँ वॉक, और मेरे साथ यहाँ पे मेरा गोलू है, पोलू है, मामा का काका, मेरा सपांस हो गया जो मुझे रोजाना मेरे साथ ना जो अपने फ्रेंड्स को गुड नाइट करता है। आज मैं वॉक करके आई हूँ तो मेरे आने से पहले वो सो गया है। अब मेरे साथ मेरा गोलू पोलू काका है। तो जितनी भी मेरी एक्टिविटी है मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर की है। आज मैंने रेसिपी शेयर की है अपने फ्रेंड्स के साथ, कौन कौन सी चिकन फ्राई रेसिपी शेयर की है, चिप्स फ्राई रेसिपी शेयर की है, और मीठी मीठी बातें इंजॉय, हला गुल्ला मस्ती सभी इंजॉय किया, एक्टिविटी दिखाई अपने फ्रेंड्स के साथ, और सभी फ्रेंड्स के लिए नाम भी बोले हैं, कमेंट भी उन्होंने बोला हुआ था। अल्लाह पाक सबको खुश और बात रस्ता साता रखे, इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं सभी फ्रेंड्स के लिए। लव यू, ओके, बाय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब और लाइक शेयर, ओके।